भोपाल में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के न्यू मार्केट जवाहर चौक से 140 दुकानें हटाए जाने के बाद अब विरोध बढ़ने लगा है। बुधवार को शहर के आर्य समाज मंदिर के समीप पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा के नेतृत्व में दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम समेत भाजपा नेता भी मौजूद थे। शहर में बन रही स्मार्ट सिटी के नाम पर दुकानें हटाए जाने का विरोध लगातार बढ़ रहा है। इस विरोध में अब पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह भी मैदान में आ गए हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह का आरोप है कि पक्की दुकानें हटाए जाने के बाद भी अभी तक दुकानदारों को दुकानें नहीं मिली हैं। पूर्व विधायक सिंह ने व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार सेवा की। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये करीब एक साल पहले ये स्मार्ट सिटी ने जवाहर चौक के पास जो दुकानें थी, पक्की दुकान थी और वो नगर निगम की दुकानें थी, उनके पैसे जमा वहाँ पे किराया भरते थे उसका, वो तोड़ दिया है और एक साल से रोज़ घुमा रहे हैं उनको, कल देंगे परसों देंगे। और ये जगह भी करीब दो महीने पहले चिन्हित कर दी कि यहाँ टेम्परेरी अपन व्यवस्था कर देंगे ताकि अपनी वो दुकान लगाए, फिर बाद में जब पक्का बन जाएगा तो करेंगे वो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हमने सब व्यापारियों के साथ मिलकर कल से कार सेवा शुरू की यहाँ पर कि इसको लेबल करके, भाई वो नहीं कर पा रहे हैं, हम ही करते हैं भैया, ठीक है ना। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, काम नहीं हो भाई? ये जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं भाई, स्मार्ट सिटी बना रहे हो आप, जब यहाँ के लोगों को हटा रहे हो आप, तो उनकी पहले व्यवस्था करो ना कि उनको कहाँ रखोगे। भाई झुग्गी हटा दी, ठीक है हटा, हटाने का हम विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं उनको प्रॉपर जगह जो दो। अगर वो नहीं बनाएंगे तो आप लोग बनाएंगे? नहीं भाई, अब हमने ये सोच दिया है कि व्यापारी संघ जो है प्रतिदिन 11 बजे यहाँ आके अपना जो है श्रमदान करेंगे लोग और इसको लेवल करेंगे और सूची बना के जनता ही लगा लेगी। फिर कितनी दुकानें होंगी ये करीब? अच्छा दूसरा क्या है, 140 दुकानें हैं और उन लोगों ने जो है 400-500 लोगों की सूची बना रखी है, पता नहीं कहाँ के लोग आ गए। भाई जो वास्तव में जो दुकानदार थे उनके पास नगर निगम की पर्ची है कि भाई 10 साल से 20 साल से किराया जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, 35 साल से किराया जमा कर रहे हैं। चलो 10 साल पहले का भी अगर किराया है, चाहे 20 साल का है, भाई उनको आप उनको दो ना मान जगह। भाई छोटे व्यापारी हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में खाने की दिक्कत है उनको, क्या क्या हालत बना रखी है? मतलब ये तो मतलब सरासर अन्याय है। जो भी बल्कि जो दोषी कर्मचारी हैं स्मार्ट सिटी के, इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भाई ये सब काम सरकार अच्छे के लिए कर रही है कि बुरे के लिए कर रही है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये इमेज खराब कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।